ये हुदा है मेरी बेटी, ये प्रीमेच्योर बॉर्न हुई थी। जिस हॉस्पिटल में ये बॉर्न हुई थी वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, तो फिर इनको इंडस लाया गया। फिर इनकी अचानक तबीयत और मज़ीद ख़राब हो गई, ये वैन पर चली गई। एक हफ़्ता ये वैन पर रहीं कि ये खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो ना जाए, इस चीज़ का मुझे बहुत डर लगता था। जब हॉस्पिटल से कॉल आती थी ना कि इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, तो ने समझ लो बहुत ज़्यादा टूट जाती थी कि नहीं इसको कुछ ना हो। मुझे बॉक्स में से निकाल के जब इनको दिया ना, तो इन्होंने मेरी फिंगर से ऐसे पकड़ ली और मुझे छोड़ ले रही थी। और जब मैं छुड़ा रही थी, इतना चीख चीख कर रो रही थी बॉक्स में कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था इनको छोड़ के जाने का। तो इस वजह से मैं खुद भी रो पड़ती थी। ऐसा मेरे साथ इन्होंने 2 मरतबा किया। बहुत अच्छी तरह से इनका ट्रीटमेंट चलता रहा, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ खर्च नहीं हुआ हमारा। इनको सेहतियाबी दी है तो ये माशाल्लाह भाग रही हैं, चल रही हैं, बातचीत कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके, तो एक एक पल की मैंने तस्वीर, एक एक लम्हे की वीडियो सब सेव कर रखी है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर केयर बहुत अच्छी दी जा रही है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं दी जा रही, वो उससे ज़्यादा अच्छी केयर यहाँ पर हो रही है। पेशेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं कि पेशेंट का समझ लें आधा काम तो दूर कर देते हैं डॉक्टर बातचीत करके। बहुत अच्छी तरह से इनका ट्रीटमेंट चलता रहा, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ खर्च नहीं हुआ हमारा यहाँ पर। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इधर हॉस्पिटल में डोनेट दिया जाए, ताकि और जैसे और बच्चे हैं जो लाइलाज हैं, उनका भी इलाज अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर किया जाए।